मान लीजिए कि हम ही काम कर रहे हैं, प्रमुख हैं, और तो आप अगर सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं, तो बांटने में आपको ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे ये बताइए? आप वहाँ पर पकड़ के खाली फोटो खींचा लिए तो आप उसको रोजगार दे दें? अरे भाई, रिजल्ट आएगा तो ना हार का सामना आप करिएगा कि कौन करेगा? एनडीए गठबंधन के तहत काम हुआ है, बिहार का विकास हुआ है, चौतरफा विकास हुआ है, सड़क, रोड, पानी, बिजली। नीतीश कुमार जनसभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि 2025 से पहले 10 लाख नौकरियां जो है वो देंगे, 5 लाख दे चुके हैं और 5 लाख और जो है वो देंगे। उस पर तंज कसते हुए मुकेश सहनी, जो भी महागठबंधन में हैं, उन्होंने कहा कि 17 महीने में जितना रोजगार और नौकरी जो है तेजस्वी यादव ने दिए, तेजस्वी यादव ही कहे थे कि 10 लाख नौकरी जो है वो देने का वादा जनता से किए थे। अभी हमारे साथ पल्लवी पटेल जी है, बातचीत करेंगे। क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हैं कि 17 महीने में जो रोजगार है वो तेजस्वी यादव दिए हैं। सबसे पहली बात तो कि जब हमारी सरकार आई सत्ते में 2005 में, और उससे पूर्व 15 साल का समय था ना तेजस्वी प्रसाद यादव जी के माता पिता के पास, उन्होंने कितना रोजगार देने का काम किया है? मात्र 96,000। और हमारी जब सरकार आई तो 2005 से अब तक हम लोगों ने 7.5 से 8 लाख के बीच रोजगार नौकरी देने का काम किया, और 17 महीने का जो उप मुख्यमंत्री का जो पद है उनको भी नौकरी देने का काम हमारे नेता नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। अरे भाई, हम तो बेरोजगार पड़े हुए थे, हमारे नेता ने 17 महीने के नौकरी उनको दे दी उप मुख्यमंत्री का, और उनको है ना नौकरी का प्रक्रिया, भर्ती का प्रक्रिया पता है। और ये जहाँ तक कि मुकेश सहनी का बात है, मुकेश सहनी जी एक बार कहे थे कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने उनके पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है, और इस बार सिर्फ और सिर्फ उनका इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीतिक तौर पर अति पिछड़ा के रूप में। तो आने वाले समय में क्या वो अपने सीना पर खंजर खाने के लिए तैयार हैं? अति पिछड़ों की बात करते हैं, सबसे पहले बात कि हमारी जब सरकार आई तो सबसे पहले 2006 में अति पिछड़ा आयोग का गठन हमारे नेता नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया, और अति पिछड़ों के लिए कई आवासीय विद्यालय छात्र। इससे पहले क्यों नहीं नौकरी दी जब तेजस्वी यादव ने गछा उसके बाद ही तो? अरे नहीं भाई, आप उनको आप देख लीजिए कि उन प्रक्रिया में कहीं उनका साइन है क्या? उनके मंत्री किसी विभाग में जाते थे? जो शिक्षा विभाग का बात कर रहे हैं वो, तो वो उस विभाग में जाकर उप प्रक्रिया में देखिए कि कहीं उनके मंत्री या उनका कहीं भी हस्ताक्षर है इस चीज़ का? आप है ना प्रक्रिया में पहले जांच लीजिए, पता कर लीजिए। गांधी मैदान में बांटने का काम हम ही किए हैं। अरे भाई, थोड़ा बहुत थोड़ी था। मान लीजिए कि हम ही काम कर रहे हैं, प्रमुख हैं, और तो आप अगर सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं तो बांटने में आपको ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे ये बताइए? आप वहाँ पर पकड़ के खाली फोटो खींचा लिए तो आप उसको रोजगार दे दिए? तेजस्वी यादव वहाँ फोटो खिंचवाए हैं, बस फोटो खिंचाने का काम किया है, उसके अलावा कुछ नहीं। दूसरे का क्रेडिट लेने का वो काम ना करें। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी, जहाँ तक 10 लाख रोजगार देने की बात है, तो हमारे नेता 7.5 से 8 लाख तक दे चुके हैं, और बाकी 10 लाख हमारी सरकार जब आती है तो हम लोग 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि 2 चरण का चुनाव हुआ है तो एनडीए वाले सब बौखला गए हैं, हार का सामना करना पड़ रहा है सभी जगह। अरे भाई, रिजल्ट आएगा तो ना हार का सामना आप करिएगा कि कौन करेगा? एनडीए गठबंधन के तहत काम हुआ है, बिहार का विकास हुआ है, चौतरफा विकास हुआ है, सड़क, रोड, पानी, बिजली, पहले का ये तो लालटेन युग नहीं ना है, जंगल राज नहीं ना है भाई। बिजली अनवरत मिल रही है, सड़क एकदम गांव से लेके है ना शहरों में जुड़ा हुआ है, कनेक्टिविटी है, बिहार का विकास हुआ है, रोजगार और नौकरी का प्रबंध हुआ है हमारे नेता नीतीश कुमार जी के द्वारा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त की गई है। तो वो किस तरह का बेईमानी का बात करते हैं, उनके पास कोई एजेंडा है ही नहीं। सहनी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो नरेंद्र मोदी से कह करके जो वादा नरेंद्र मोदी कहे थे रोजगार देने का, वो दिलाने का काम करें। सबसे पहले तो उनका है जो बस तेजस्वी यादव जी, उनका इस्तेमाल किया कर रहे हैं, तेजस्वी यादव मुकेश सहनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आने दीजिए, जब रिजल्ट आ जाएगा तो उनको भी दरकिनार करने का काम करेंगे तेजस्वी यादव जी, बस ये उनका समय आने दीजिए, बस और बस है ना अति पिछड़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी। अति पिछड़ा का इस्तेमाल जो है वो तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं।
रिजल्ट आने के बाद जो है उन्हें भी साथ छोड़ देंगे, ऐसा कहना जदयू प्रवक्ता का। लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जो है नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे सच स्टॉक्स, मेरा नाम ऋषि है।